तो हमने क्या किया, आज जो है रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, और ये सब चीज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बस एक क्विक रिवीजन चल रहा है जिसमें हमने ये देख लिया कि लिस्ट कैसे बनेंगी और लिस्ट के ऊपर परफॉर्म होने वाले फंक्शन किस तरीके से हो रहे होंगे। ठीक है, तो अभी डिफरेंट फंक्शन ऑलरेडी हम जो पहले पढ़ चुके थे अभी उसका रिवीजन हो गया। अभी हमने क्या करना है, इंसर्ट। ठीक है, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि वाइट जो है, लेट्स से मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर 1 पर, यहाँ पे ऑरेंज है ना, यहाँ पर वाइट आ जाए, तो मैंने यहाँ पे उसको इंडेक्स 1 दे दिया और इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया। अब मैंने इसको रन करा तो आप ये देखिए, अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, जब मैंने अपेंड करा था तो वाइट जो है सबसे एंड में जाकर ऐड हो गया था यहाँ पर, लेकिन जब मैंने डॉट इंसर्ट लगा के उसको स्पेसिफिक वो दे दिया है इंडेक्स नंबर, तो वो उसी जगह पर जाकर ऐड हो गया और बाकी सारे जो एलिमेंट थे आप आइटम कह लें वो आगे की तरफ मूव हो गए, मतलब वाइट जो जाकर बीच में जाकर एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से रेड के हम, बाद तो हो गया आ गया। जी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूँ Color 2। ठीक है, अब इस कलर्स के अंदर मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर देने हैं, लेट्स से ब्लैक। ओके, ब्राउन दे देते हैं, ब्लैक लेट्स तो है, ब्लैक सॉरी ब्लैक ऑलरेडी है उसमें, लेकिन लेट्स सपोज कोई अगर दोबारा से दे देगा ना तो हम वो ब्लैक दोबारा से उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और लेट्स से ग्रीन, ग्रीन पर्पल येलो, इस तरीके से हमने डिफरेंट कलर दे दिए। पहले मैं नीचे वाला क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी एक रिवीजन कर रहे हैं। अब मुबशिर की बात पर आते हैं, डॉट एक्सटेंड में। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कलर्स डॉट एक्सटेंड कर देते हैं, किसके साथ एक्सटेंड करना है, Color 2 के साथ। ठीक है, मैंने क्या किया, ये Color 2 ना ये इसके साथ मिल जाएगा एग्जैक्टली कलर्स से। इसकी ये तो Color 2 की जो लाइन है वो उसके साथ एग्जैक्टली मिल जाएगी कलर्स के साथ। तो ये हमारे पास क्या होगा, जो Color 2 है वो क्या होगा, कलर्स के साथ ये जो पूरी लिस्ट है इसके साथ वो कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गई। क्या कोई दूसरा तरीका है इन दोनों को कंबाइन करने का, जल्दी से सोच के बताएं, हमने पढ़ा था ये। एक्सटेंड एक्सटेंड तो हमने हो गया ना अभी, ये जो ओशन ने बताया था समथिंग एल्स। चले कोई बात नहीं, क्या चीज, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है मुबशर, आप बता सकते हैं हानिया क्या कह रही है। मैं कह रही हूँ कि हम कोई एक और दूसरा नया वेरिएबल बना के इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, गुड, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। एक हम लेट्स से टोटल मैंने बना दिया टोटल, और फिर मैंने क्या करा, कलर कलर्स प्लस कर देंगे कलर को, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं और हम प्रिंट कर देंगे टोटल। ठीक है, तो ये तरीका भी ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं ऊपर वाला रिजल्ट और ये नीचे वाला रिजल्ट, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो बस हमारा स्टाइल अलग अलग है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम जो है चीजों को कर सकते हैं। एक और हमने देखा था फॉर लूप का, ठीक है, कि फॉर लूप यूज करते हुए भी हम जो है कर सकते हैं। अब फॉर का लूप कैसे कर सकते हैं, जल्दी से बता देता हूँ। फॉर और आई कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स से फॉर सी इन कलर्स, वो भी लिखते हैं कलर्स डैश अदर। अदर का जो आप कह रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमने अपने वेरिएबल का नाम किस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो फॉर सी इन कलर्स, अब मैं अगर ये लिखना चाहूँ कलर्स डॉट अपेंड, अब मैं किस चीज को अपेंड करूंगा, सी को अपेंड करूंगा, क्योंकि जो सी है मेरा वो किसके लिए काम कर रहा है, अब कलर्स टू के लिए, और कलर्स टू है क्या मेरे पास, ये पूरी लिस्ट है। तो अब मैं इस कलर्स के अंदर जो है अपेंड कर दूंगा सी, ठीक है कलर्स की लिस्ट जी, एग्जैक्ट ये लिस्ट हो जाएगा। और फिर हम प्रिंट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कलर, कलर्स लेट्स सी ये वर्क करेगा या नहीं, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी जो है कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा डिटेल में सीखा था, एक जस्ट मैंने कोई रिवीजन दे दिया आपको, ठीक है। अब हमने ये सीखना है कि रिमूव किस तरीके से करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट जो है वो रिमूव कैसे होगा, ठीक है। तो लेट्स सी मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है लिस्ट का नाम लिख देंगे सबसे पहले, कलर्स डॉट लिस्ट लिख देंगे, लाइक नहीं लिस्ट नहीं लिखेंगे, कलर्स डॉट रिमूव। एग्जैक्टली। तो हम क्या लिख देंगे, कलर्स डॉट रिमूव लिख देंगे। लास्ट टाइम बस मैंने रिमूव तक बताया था या आगे भी बताया था, यस तो रिमूव मुझे तक बताया था। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कलर डॉट रिमूव। तो आप क्या होगा, मैं प्रिंट कर देता हूँ कलर्स को, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है इसका नतीजा। तो अब आप देखें रेड ऑरेंज ब्लू पिंक और ब्लैक नहीं है, क्योंकि ब्लैक रिमूव हो गया, ब्लैक की जगह हम दूसरा कलर रख के देखते हैं ब्लू, ठीक कलर है। तो ब्लू अब देखिए यहाँ पे रिमूव हो गया। अच्छा ऐसा कलर देते हैं जो हमारे पास है ही नहीं लिस्ट में, लेट्स से येलो, अगर अब मैं इसको रन करूँ, आ जाएगा फिर तो। एग्जैक्टली अब देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, वो बोल रहा है एक्स नॉट इन लिस्ट, ठीक है, वो जो कह रहा है कि इसके अंदर लिस्ट के अंदर है वही आना चाहिए, अगर एग्जैक्टली जो लिस्ट में नहीं है exactly. वो आया तो एरर आएगा। बिल्कुल, तो आपके सामने ही है, वो कह रहा है कि येलो जो आप कर रहे हैं वो तो है ही नहीं ना लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो हम येलो इस तरीके से जो है कर सकते हैं सारी चीज को रिमूव। अब रिमूव हो गया था, फिर मैंने आपको बताया था कलर्स डॉट, ये पॉप वाला मैंने आपको बताया था पॉप, यस पॉप वाला भी बताया था। ठीक है। तो एक हो गया रिमूव, एक हो गया है पॉप। अब देखें पॉप के थ्रू हमने, मैंने क्या लिखा, इंडेक्स नंबर 2, तो 0 1 2 पे क्या है ब्लू, ठीक है, तो इससे वो पॉप हो गया। अच्छा देखें दोनों में फर्क क्या है, रिमूव से यूज करने के लिए मुझे पूरा नाम लिखना पड़ रहा था कि कलर्स डॉट रिमूव ब्लैक, कलर डॉट रिमूव ब्लू, ठीक है। लेकिन पॉप में अंदर क्या है, मैं सिर्फ इंडेक्स वैल्यू लिख दूं, जैसे कलर डॉट पॉप पॉप 2, करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो पॉप करेंगे तो वो 2 पे जो भी होगा मिट जाएगा। अब अगर मैंने इंडेक्स वैल्यू ही नहीं दी तो आप क्या कहेंगे, क्या होता है, रिवर्स चलिए ट्राई कर, नहीं तो हमारे पास क्या हुआ, रेड है ऑरेंज है ब्लू है और पिंक है, ठीक है।
तो हमारे पास क्या हुआ कि पॉप करने से हमारा लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव हो गया जब मैंने उसको इंडेक्स वैल्यू नहीं दी यहाँ पे। ठीक है, जब मैं इंडेक्स वैल्यू दूंगा लेट से 0, तो उसी इंडेक्स की वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ठीक है, 0 पे रेड था, रेड रिमूव हो गया। अगर मैं इंडेक्स वैल्यू ना दूं तो लास्ट में जो भी होगा वो रिमूव हो जाएगा। लास्ट में देखें ब्लैक है तो ब्लैक रिमूव हो गया। अगर ब्लैक की जगह कुछ और होता लेट से वाइट था और फिर मैं उसको पॉप कर दूं, तो आप देखें रेड ऑरेंज ब्लू पिंक ब्लैक और वाइट वाला प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो क्योंकि पॉप वो यू इस लिस्ट में जी अब तो आया है, लिस्ट में पहले जी एग्जैक्टली नहीं था। तो पॉप को यूज करने से क्या होता है, हम इंडेक्स के थ्रू रिमूव कर देते हैं, और अगर पॉप इंडेक्स वैल्यू ना दे तो हमारे पास ये होता है कि वो लास्ट वाला रिमूव हो जाता है। ठीक है, एक और ओके तरीका है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा DEL डिलीट, ओके और फिर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डिलीट कलर्स, और देखें इंडेक्स वैल्यू मैंने क्या दी है 1, तो 1 पे कौन है, ऑरेंज है, तो इसको प्रिंट करते हैं तो देखें ऑरेंज जो है हमारे पास रिमूव हो गई। ठीक है, इस ओके तरीके से भी हम जो है रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं डिलीट जो है इंडेक्स वैल्यू ना दूं, मैंने लिख दिया डिलीट कलर्स, ठीक है, और प्रिंट कर दूं कलर्स, तो देखें आएगा। एरर आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, डिलीट करने से पूरी प्रिंट जो है वो जो है कलर्स है वो डिलीट हो गया, उसने पूरे लिस्ट को ही डिलीट कर दिया। तो अब ये एरर इस चीज़ का कह रहा है कि भाई कलर नाम का कुछ है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, उसने डिलीट का वर्ड यूज़ करने से यस उसने पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट कर दी थी। ठीक है, ना समझ में आ गई बात। एक और ना क्या यस होता है हमारे पास, एक ये होता है कलर्स डॉट क्लियर। ठीक है, कलर्स डॉट क्लियर से क्या होगा, लेट्स सी क्लियर क्लियर हो जाएंगी चीजें। एग्जैक्टली। अब देखें यहाँ पे क्या है, क्लियर हो गई तो यहाँ पे खाली लिस्ट आ रही है, ये रही देखा है आपको, मैं इसको सारी दोबारा, हट गई लिस्ट। हाँ अभी देखें आउटपुट यहाँ पे जब आएगा तो ये देखिए यहाँ पे दो जो ब्रैकेट आ रहे हैं इसका मतलब ये लिस्ट है, लेकिन लिस्ट के अंदर कुछ है नहीं, खाली है। ठीक है क्योंकि हमने कलर्स डॉट क्लियर लिखा है ना, जी क्लियर अगर हटा देंगे तो आ जाएगी लिस्ट पूरी। एग्जैक्टली, तो ये समझ में आ गया। तो आज जो हमने पढ़ा है कलर्स डॉट रिमूव, कलर्स डॉट पॉप और डिलीट करते हैं, और कलर्स डॉट क्लियर। ठीक है, तो आपके पास आपकी लिस्ट बनी हुई होंगी, प्लीज उस पे आप ये सारी चीजें चेक करें जल्दी। ठीक है, ओके ठीक है, तो आप ये करिए। ब्लैक होते ना।
स्क्रीन शेयर कर दे मुझे नहीं। जो भी आप वर्क कर रहे हैं। मैंने आपको ये बोला हुआ है कि आप जो है डॉट रिमूव डॉट क्लियर ये सारी चीज़ें अपने पास परफॉर्म करें। जल्दी से चेक करें करके इसको। हमारे पास 5 मिनट्स रह गए क्लास ओवर होने में। ठीक है, लिस्ट तो आपके पास ऑलरेडी बनी हुई होगी लास्ट टाइम जो बनाई थी, उसी में ये चीज़ें परफॉर्म करें। ठीक ओके है, करें जल्दी और जो है मुझे स्क्रीन शेयर करें। के ऊपर जाए और अपना जो है इसको परफॉर्म करें जल्दी, टाइम जा रहा है। बड़े 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 आवाज आ रही है? हेलो, आपके स्क्रीन जो एक जगह स्टक है सिर्फ। हेलो, प्रॉफिट क्लास में हैं आप लोग मौजूद? मोर की पर व्हाट्स रॉन्ग? बेटा तो कुछ होगी ओके सो हो सकता ऐसे भी। अब जो है क्लास का टाइम हमारा एंड हो गया है, तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ इफ़ यू कैन हियर मी। और जो है आप लोगों ने करना क्या होगा, जो है ना जो भी मैंने पढ़ाया उसको खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपके साइड से कुछ हो सकता है टेक्निकल इश्यू हो जिस वजह से आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो करना।